नई परिषद के पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष विनोद साहू शनिवार को नगर का हाल जानने निकले। उनके साथ पार्षद संजय गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि बिट्टू शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि संदीप कटारिया मौजूद थे और वार्ड नंबर 9 में जब संजय गुप्ता के साथ वार्ड का जायजा ले रहे थे तो उन्हें जगह जगह खाली जगह पड़ी दिखाई दी, जहां गंदगी भी बेशुमार थी, जो मेन मार्केट के लिए एक मेली तस्वीर साबित हो रही थी। उन्होंने वार्ड के पार्षद संजय गुप्ता और वार्ड वासियों की सहमति से तत्काल निर्णय लेते हुए दोनों खाली स्थानों पर एक जगह फूलमालाओं की दुकान और उसी के साथ वहां ऑटो स्टैंड बनाने का निर्णय लिया। इसी के साथ वही सामने ही खाली पड़ी जमीन को चाट और फल फ्रूट के लिए चौपाटी का रूप देने के साथ ही उस स्थान को भी व्यवस्थित कराते हुए वहां चौपाटी बनाने का निर्णय लिया। इसी के साथ उन्होंने वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद भावना शर्मा, प्रतिनिधि बिट्टू शर्मा के साथ वार्ड का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने पुराने आंगनबाड़ी काजी हाउस के पास लगे कचरे के ढेर को तत्काल वहां से हटाने के निर्देश दिए एवं पुरानी बिल्डिंग के पास की खाली पड़ी जमीन पर एस्टीमेट तैयार कर जल्द ही वहां सामुदायिक भवन निर्माण की भी बात कही। नगर के मेन मार्केट से जुड़े हुए दोनों वार्डों में एक लंबे समय से स्ट्रीट लाइट खराब व नहीं की स्थिति में दिखाई दी, जिसको लेकर उन्होंने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तत्काल कराने के निर्देश मौके से नगरपालिका प्रशासन को दिए। इस अवसर पर दोनों वार्डवासियों ने और नगर के गणमान्य नागरिकों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत सम्मान किया। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।